love this. I love this taxi cabs, yaar. Guys, yeah, this is crazy. Crazy, man. BMW और ये हार्ली डेविडसन और हम यहाँ पहुँचे हैं ललपनिया वाटरफॉल पे. आइए आपको पहले ललपनिया वाटरफॉल दिखा देते हैं और उसके बाद फिर आपको यहाँ के लोगों से बात कराते हैं कि ये ललपनिया वाटरफॉल और जो ये मेला और ये जो पूजा है ये एक्चुअली क्या है यहाँ के लोगों के अनुसार. आप देख सकते हो ये खूबसूरत सा वाटरफॉल है यहाँ पे. बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा है, बट है बहुत प्यारा सा और बहुत ही खूबसूरत सा. आप देख सकते हो ये पानी की आवाज़ आप शायद सुन पा रहे होगे. यहाँ के भाई साहब, आपका क्या नाम हुआ? चंदन कुमार. चंदन जी से बात कराता हूँ. आप हमें कुछ बताओ कि ये जो वाटरफॉल है और अभी जो ये मेला है और जो मंदिर है यहाँ ऊपर, लोग क्या करते हैं, क्या होता है यहाँ पर? हर साल की भांति इस साल भी 8 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के दिन बहुत अच्छा एक संथाली मेला लगता है. संथाली मेला, संथाली जाते हैं लोग के लिए. बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, देश विदेश से यहाँ पर घूमने के लिए. अच्छा, यहाँ पर एक बहुत अच्छा मेला लगता है. लोग यहाँ पर घूमने पर्यटन स्थल के तौर पर आते हैं. ये लुगु गुरु घंटा बाड़ी के नाम से प्रसिद्ध है जगह. ओके, ये झरना आपका छछरिया झरना से प्रसिद्ध है यहाँ पे. अच्छा, ये भी झरना एक खूबसूरत झरना है यहाँ के. बहुत ही खूबसूरत है ये झरना का पानी, एकदम ऊपर पहाड़ से आता है, बहुत ऊंचा से. वहाँ पे हम जा सकते हैं? ओरिजिन इसका अभी तक पता नहीं चला, पानी कहाँ से आता है. ओरिजिन पता नहीं है, बहुत ऊंचा पहाड़ है, किसी को नहीं पता. नहीं, पानी इसका ओरिजिन पता नहीं चला. रास्ता नहीं है ऊपर जाने का? है रास्ता, मगर बहुत डिफिकल्ट है. पूरा पहाड़ी क्षेत्र है पूरा ऊपर में. अच्छा, जो ऊपर पहाड़ है, मतलब 6-7 पहाड़ पार करने के बाद. पहाड़ का क्या नाम है? लुगु गुरु पहाड़. लुगु गुरु पहाड़ ना. ओके, लुगु बाबा नाम से यहाँ पर पूजा होता है. ऊपर में पूजा होता है तो लोग वहीं जाते हैं. वहीं पर पहाड़ मेन यहाँ का मतलब मोटो है कि यहाँ का ऊपर में लुगु बाबा नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ पर लोग पूजा करने आते हैं. जैसे हम लोग जिस तरह जाते हैं देवघर उगर, उस तरह संथाली लोग के लिए धर्मस्थल यहाँ का. धर्मस्थल यहाँ पर 8 तारीख को CM भी विजिट करने वाले हैं. CM भी विजिट करने वाले हैं. हेमंत सोरेन. हेमंत सोरेन जी आने वाले हैं. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. तो गाइज, आपने देखा कि हमें इन्होंने एक्सप्लेन किया है यहाँ की सारी चीज़ें. आप लोगों के साथ हम ये शेयर कर रहे हैं. और यहाँ पे मैं, आप देख सकते हो, पहुँचा हूँ ललपनिया वाटरफॉल पे आज के राइड पे, संडे राइड पे. गाइस, सब्सक्राइब अवर चैनल भारत टूर बाइकर्स. और हम निकले हैं झारखंड एंड इंडिया को एक्सप्लोर करने के लिए और इसकी ब्यूटी को एक्सप्लोर करके आपको साथ में शेयर करने के लिए और दिखाने के लिए. बट ताज भाई और नंदू भाई हमारे साथ में यहाँ आ गए हैं इस वाटरफॉल का मज़ा लेने के लिए. और ताज भाई, कैसा फील हो रहा है यहाँ पहुँच कर? सुमित भाई हमारे तो आज गजब ही कांड कर दिए. यू वोंट बिलीव यार, वो यहाँ रोड तक आकर यहाँ से वापस चले गए जस्ट टू जॉइन हिज ड्यूटी. सो मच डेडिकेशन, सो मच. आइए हम वापस चलते हैं अपने बाइक के तरफ. सो गाइज, आप देख सकते हो अब हम यहाँ से निकल पड़े हैं अपने वापस के राइड के लिए, बोकारो के लिए. मॉर्निंग टाइम है तो अभी मैं फिर से ट्राई कर रहा हूँ ये फ्रंट माउंटिंग के साथ. अभी मैं आपको यहाँ के पब्लिक के रिएक्शंस नहीं दिखा पा रहा हूँ, बट बहुत ही सेक्सी सा पब्लिक रिएक्शन मिल रहा है, मज़ा आ रहा है जिसको देखकर. और अभी आप देखो कि हम कैसे लीन करके इन सुंदर खूबसूरत रोड्स को आगे कंटिन्यू करते हैं. अभी वापस से उन्हीं पहाड़ों के बीच से निकल रहे हैं और हमारे ताज भाई पीछे रह गए हैं. भाई सुमित सर जो हमारे थे, उनका एक्चुअली में आज वॉकिंग था तो 8:30 उन्हें पहुंचना था वापस से ऑफिस, तो ये वापस निकल गए बहुत पहले. हमसे तो बहुत ही पहले निकल गए. एक्चुअली उन्होंने क्या किया कि वो यहाँ पहुँचे हमारे साथ और वी स्टॉप्ड हियर एंड ही डिडंट स्टॉप, ही जस्ट टुक अ रिवर्स टर्न एंड ही लेफ्ट बैक. यार डेडिकेशन इसे कहते हैं राइडिंग की. ये ऑफिस है बट उससे पहले अपना राइड कंप्लीट करके और वापस से ऑफिस जाना, यार मतलब टू गुड यार, गुड फीलिंग, मज़ा आ गया. ताज भाई इधर साइड से आ रहे हैं. मैं प्लान कर रहा हूँ एक और कैमरा लेने के लिए,
अभी थोड़ा फाइनेंशियल स्टेटस वैसा नहीं है कि तुरंत ले लूँ, तो आई हैव टू वेट फॉर इट। थोड़ा रुक के मैं एक और कैमरा लेता हूँ आप लोगों के लिए। आप ताज भाई जो है वो अच्छे खासे स्पीड में निकले हैं यहाँ से, मस्त इन खूबसूरत सा और ऑसम सा व्यू के साथ आगे हम बढ़ते हुए एलुबुरु पहाड़ों से आगे निकलते हुए हम एंजॉय करते हुए आज का राइड कंप्लीट कर रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा और एक्साइटेड फील कर रहा हूँ मैं। बहुत रिफ्रेशिंग सा है ये सुबह का संडे राइड। गाइस आप लोगों के साथ एक बात और शेयर करनी थी कि हमारे चैनल पे हमने प्ले लिस्ट ऐड किया है, डिफरेंट प्ले लिस्ट। तो एक्चुअली क्या किया हमने कि प्ले लिस्ट में वीडियोज़ को शॉर्ट करके हमने डाल दिया है कि आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली आपको ज़्यादा टाइम ना लगे हमारे वीडियोज़ को ढूंढने में। एंड ऑल्सो वन थिंग इज़ दैट कि आई एम ट्राइंग कि अब हम अपने वीडियोज़ का लेंथ थोड़ा शॉर्ट करें, क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड कि आज के लोग जो है वो बहुत बिजी रहने लगे हैं। इवन आई डोंट गेट टाइम टू वॉच लॉन्ग वीडियोज़, तो मैं यही करता हूँ कि अभी जो हमने सोचा है कि वीडियोज़ के लेंथ को कम करना है हमें, और वीडियोज़ के लेंथ को कम करके आपके साथ शेयर करना है ताकि आप कम समय में हमारा वीडियोज़ को देख पाऊँ। एंड हियर नंदू इज़ टेकिंग फुटेज ऑफ मैं और ये नंदू का ऑस्मो पॉकेट। हम साथ साथ जा रहे हैं इन पूरे नज़ारों को कैप्चर करते हुए। इज़ अ लवली ट्री मैन, लवली ट्री। हम ये गांव के बीच से निकल रहे हैं। ताज भाई जो है वो अच्छे खासे स्पीड पे है और मैं थोड़ा सा स्लो ड्राइव कर रहा हूँ, क्योंकि ये कैमरा मैंने फर्स्ट टाइम आगे फ्रंट में माउंट किया हूँ। मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये किस स्पीड पे धोखा दे देगा। हम लुबुरु वाले एरिया से बाहर निकल चुके हैं और आई थिंक कि अभी हमें वापस से वो तेनू घाट वाला डैम को पार करना है। वहाँ रुक कर आपको वहाँ के कुछ नज़ारे दिखाते हैं। दोस्त हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए और हमें सपोर्ट करिए। मैंने एक नया तरकीब लगाया अभी। मैंने क्या किया कि मैं फ्रंट माउंटिंग से कैमरा को हटाकर और नंदू के हाथ में मैंने उसे दे दिया ताकि वो कुछ आपको ये खूबसूरत सब नज़ारों का फुटेज दिखा सके। हमने जो है ये अभी भी फॉगी सा है और दोनों साइड ये बुशेस के बीच में जो रास्ता है बहुत ही प्यारा सा दिख रहा है और बहुत मज़ेदार दिख रहा है। ख़तरनाक भी है भाई साहब ये, क्योंकि कब यहाँ सामने गड्ढा मिल जाए या स्पीड ब्रेकर मिल जाए उसका कोई भरोसा नहीं है। ये अभी हम तेनू घाट के डैम के ऊपर पहुँच चुके हैं और रोड्स आर क्लोज्ड। घूमना होगा ना सर हमारे। सो गाइस आप देख सकते हो हम आपको दिखाने के लिए आए थे यहाँ का व्यू, बट यहाँ गेट जो है वो लॉक कर दिया गया है डैम का। अंदर जाने का अभी परमिशंस नहीं है एंड नो वन इज़ हियर टू रिक्वेस्ट कि भाई साहब ये दरवाज़ा खोल दो। तो हमने कोशिश किया यार आपको यहाँ का खूबसूरत सा व्यू दिखाने का। आई एम सॉरी, स्टिल मेरी गलती नहीं है गाइस, तो माफ़ करना प्लीज़। एनीवे चलो एंजॉय करते हैं वापस से इस प्यारे से खूबसूरत से डेंजरस एडवेंचरस रोड को। ताज भाई वो आप देख सकते हो सामने अपने हार्ले डेविडसन पे ही एकदम रॉकेट बने हुए हैं। आप देख सकते हो हम कैसे निकल रहे हैं और किस मज़े से इस रास्ते पे गाड़ी चला रहे हैं। हट जाओ यार प्लीज़ हट जाओ। हम अभी रॉकेट बने हुए हैं आप देख सकते हो इस रास्ते पे, जो कि रॉकेट बनने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। गाइस यार दिस इज क्रेजी क्रेजी मैन, कम ऑन ताज भाई।